वक्त है इसे खत्म करने का। कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं। तो फाइनली दोस्तों, फास्ट एंड फ्यूरियस के 10th पार्ट यानी फास्ट एक्स ने अपने पहले दो हफ्ते शानदार तरीके से कंप्लीट करके आज 16वें दिन में एंट्री मान ली है। और क्या रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, न कि सिर्फ वर्ल्ड लेवल पर बल्कि इंडिया में भी। साथ ही इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में जॉन विक 4 जैसी दिग्गज मूवी को खदेड़ा। तो आज जानेंगे मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पहले दिन कितना कमाया, मूवी कैसी है, लोगों को ये 10वां पार्ट पसंद आ रहा है या नहीं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी जबरदस्त एक्शन एंटरटेनमेंट और कार स्किल से भरी फिल्म के डाई हार्ड फैन हैं और फास्ट एक्स का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 2001 से 2023 तक फास्ट एंड फ्यूरियस के हर पार्ट ने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है और सुपर हिट का वो लेवल सेट जिसमें बड़ी बड़ी फिल्में लाइक मार्वल, ट्रांसफॉर्मर की सीरीज और डीसी की फिल्मों क्रॉस करने के लिए तड़पती हैं। लेकिन जो स्टारडम, जो ग्लोरी इन्होंने सेट किया है वो अमेजिंग है। जी हाँ दोस्तों, एक्शन ड्रामा, फैमिली वैल्यू लेसन और कार स्किल की जबरदस्त हाईफाई तोड़ मड़ोर स्किल से भरी फिल्म फास्ट एक्स बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। रोज एक मोटी कमाई अपने खाते में रखकर इस फिल्म ने साबित कर दिया कि चाहे 22 साल हो जाए या फिर 50 साल ही क्यों ना जाए, मेरी फैन फॉलोइंग अमेजिंग है और अमेजिंग रहेगी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को बहुत पसंद करा जा रहा है। जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है पैसा वसूल करके निकलना है, क्योंकि इस एक्शन मसालेदार सीरीज को सब दीवाने हैं। हाँ यह है कि ड्वेन जॉनसन उस द रॉक की कमी महसूस तो हो रही है, लेकिन जॉन सीना, जेसन स्टैथम और द मोस्ट अमेजिंग विलेन द साइकोपैथ जेसन मोमोआ ने इस कमी को पूरी कर डाली है। साथ ही आपको एक और नया चेहरा ब्री लार्सन देखने को मिलेंगे, बाकी कास्ट बिल्कुल सेम है। दोस्तों आंकड़ा तो रोज ही चढ़ता जा रहा है फिल्म का। जी हाँ दोस्तों, बात करें इंडिया में कैसी ओपनिंग रही फिल्म की, तो यस, धमाकेदार ओपनिंग के साथ मूवी ने पहले 3 दिन में 42 करोड़ 30 लाख का स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए और ऑडियंस की तरफ मिक्स रिव्यूज कलेक्ट करते हुए मूवी ने अमेजिंग ट्रेंड पर अपना नाम दर्ज कराया था। साथ ही 4th दिन भी रिदम में कमाई करते हुए पहले 4 दिन में ही लगभग 60 करोड़ के आसपास सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने खाते में रखा था। इसी के साथ अपने पहले ही हफ्ते में 79 करोड़ 40 लाख का जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड अपने खाते में रखा था और दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी रिदम में करते हुए पहले 10 दिन में 88 करोड़ 50 लाख तक का जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था। और मार्वल की आंटमैन 3 और जॉन विक 4 जैसी मूवी को इंडियन लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में खदेड़ दिया था। वहीं अपने 11वें दिन में 5 करोड़ 46 लाख, 12वें दिन में 2 करोड़ 11 लाख, 13वें दिन में 2 करोड़ 20 लाख, 14वें दिन में 2 करोड़ और कल यानी 15वें दिन में 1 करोड़ 19 लाख का स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए तमाम बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर भी दिया है। बात करें आज यानी 16वें दिन में कैसी ग्रोथ है, तो यस, अपने 16वें दिन भी मॉर्निंग से ही अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट के साथ आफ्टरनून और इवनिंग में भी अच्छे सोच अपने खाते में रखते हुए एंड ऑफ द डे शायद से शायद 1 करोड़ का आसपास जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रख लेगी। और इसी के साथ शुरुआती 16 दिन के टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 102 करोड़ 42 लाख के ऊपर सेट कर देगी। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, ये आप लोग बताएंगे कि अगर आप लोगों ने फिल्म देख ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। दूसरा, जॉन विक 4 और फास्ट एक्स में सबसे बेस्ट मूवी कौन सी लगी आप लोगों को, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।